बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट का आखिरी टेंस जो है वो कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ होती है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिर्फ चीज़ उसमें क्या होती है, वहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन होता है, यहाँ पर हैड बीन होता है, वर्ब की फॉर्म भी वही होती है। और जो उर्दू में पहचान होती है उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का जो होती है उसका रद्द बदल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर है आता है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में था आ जाता है। बाकी सेम टू सेम वर्ब की फॉर्म भी वही है, सिंस फार का यूज़ भी वही है, सब कुछ वही है। इसको हम फेल माजी इस्तबरारी भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी काम का माजी में जारी रहना पाया जाए, माजी में शुरू होता है और माजी में ही वो उसका जारी रहना पाया जाता है, इसको फेल माजी इस्तबरारी भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका जो आम हमें एक नाम मिलता है वो है फेल माजी मुकम्मल जारी, यानी कि मुकम्मल भी है और जारी भी है, ठीक है जी, लेकिन है माजी में। आप देखें जी, यहाँ पर मैंने ये जुमला, इसका ये जो फार्मूला है ये लिख दिया, सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन है, फिर फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वक्त या मुद्दत के इजहार के लिए, ठीक है, वो हम सिंस या फार लगाते हैं। अब देखिए जुमला लिखा है, हम सुबह से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने ये नीचे लिख दिया है, ये सब पहले से लिख के तैयार रख लेता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और हर कोई इसको बआसानी देख सके। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसको थोड़े से पार्ट ऑफ स्पीच भी आज थोड़े थोड़े बीच में रखने शुरू किए हैं। जैसे ही टेंसेस ख़त्म होते हैं इंशाल्लाह पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंशाल्लाह अज़ीज़ वो करवाता हूँ। हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये हैड बीन, कौन सा है हेल्पिंग वर्ब, ये एच और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये हैड पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है और कंटिन्यूस की निशानदेही के लिए हमने बीन रख दिया है। आगे ये ब्रैकेट के अंदर आर और वी लिखा हुआ है, यानी कि रेगुलर वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या रियल वर्ब, ये वो वर्ब होता है जिसको ये सब्जेक्ट बराह रास्त सर अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद जनाब ये देखें नीचे, मैंने मॉर्निंग को यानी कि इस मॉर्निंग को या जिस मॉर्निंग को ए और टी लिखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी हम जिस वक्त पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे तफसील से हम समझ लेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव बनाया, हैड को सब्जेक्ट से फौरन पहले और बीन को सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल किया है, और नेगेटिव में हमने हैड और बीन के दरमियान में नॉट इस्तेमाल किया है। अब आगे चलेंगे हम इमेजेस की तरफ और वहाँ पर जाकर ये मैं आपको बताऊं कि मैं टेंसेस के अलावा जो है वो कुछ सात चीज़ें और भी समझाता हूँ, इसलिए इमेजेस के अंदर रख के मैं आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी करने की कोशिश करता हूँ। तो चले हम इमेजेस की तरफ चलते हैं जी। तो पहला इमेजेस, ठीक है, पहला इमेज है वो सुबह से दौड़ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें जितने भी ग्रीन कलर में मैंने ये हैड बीन और हैड और बीन और हैड प्लस नॉट प्लस बीन किया है, ये सारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मैंने आपको वर्ड में भी समझाया था कि ये हेल्पिंग वर्ब है और जो रनिंग जो मैंने रेड में शो किया हुआ है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म मीन के प्रेजेंट के साथ, यानी कि प्रेजेंट मीन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और सिंस या फार को हम यूज़ करते हैं वक्त या मुद्दत के इजहार के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट जो है वो हैड और बीन के दरमियान में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी सा है, सिर्फ ये एक चीज़ समझ लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज़ें हमें क्लियर रहनी है। अमीर जी, हम शाम से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, वी हैड बीन रिसाइटिंग होली कुरान सिंस इवनिंग। शाम के लिए, सुबह के लिए कोई सन आ जाए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं उनके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब चीज़ों के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। हैड वी बीन रिसाइटिंग होली कुरान सिंस इवनिंग, वी हैव नॉट बीन रिसाइटिंग होली कुरान सिंस इवनिंग। परिंदे सुबह से चहचहा रहे थे, हर परिंदे की अपनी अपनी आवाज़ होती है, वो उसकी एक अलग सी इंग्लिश होती है, हर जानवर की अपनी अपनी आवाज़ होती है, और किसी कवे के लिए काएँ काएँ बोलते हैं, बिल्ली जो है वो जानवर है उसके लिए म्याओं म्याओं बोलते हैं। बहरहाल, द बर्ड्स हैड बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग, ये जो छोटे परिंदे होते हैं इनकी आवाज़ को चहचहाना
और इनके लिए चिर्प इस्तेमाल किया जाता है. हैड द बर्ड्स बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग. द बर्ड्स हैड नॉट बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग. तमाम लड़के सुबह से मैदान में इकट्ठे हो रहे थे. तो इकट्ठे होने की इंग्लिश जो है असम्बलिंग ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो आप गैदरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है. ऑल द बॉयज़ हैड बीन असम्बलिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग. जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैड को सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑल द बॉयज़, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, सिर्फ बॉयज़ नहीं बल्कि ये ऑल जो है इसके साथ क्वान्टिटी जो है वो भी बताई गई है. ठीक है जी. उसके बाद आखिर में सवालिया निशान लाजमी डालेंगे. ऑल द बॉयज़ हैड नॉट बीन असम्बलिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग. तमाम तलबा अपना काम शाम से मुकम्मल कर रहे थे. ऑल द स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, हैड बीन कम्प्लीटिंग देयर वर्क सिंस इवनिंग. कम्प्लीटिंग, कम्प्लीट के स्पेलिंग होते हैं सी ओ एम पी एल ई टी, लेकिन ई और आई की आवाज़, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि ई और आई की आवाज़ एक जैसी होती है. तो ये तरीकाकार है कि जिस वर्ब के आखिर में ई आ रहा हो, आई एन जी लगाना हो, तो वहाँ से ई हम ओमिट करेंगे, हज़फ करेंगे, हटाएंगे और आई एन जी का इजाफा करेंगे, तो कम्प्लीटिंग बन गया. हैड ऑल द स्टूडेंट्स बीन कम्प्लीटिंग देयर वर्क सिंस इवनिंग. ऑल द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन कम्प्लीटिंग देयर वर्क सिंस इवनिंग. लड़कियाँ कई दिनों से कपड़े धो रही थी. द गर्ल्स हैड बीन वॉशिंग क्लोथेस फॉर सेवरल ईयर्स. अच्छा, इसके लिए सम या फ्यू नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो चंद और कुछ के अल्फाज होते हैं, उनके लिए फ्यू या सम इस्तेमाल करते हैं. कई दिनों के लिए, कई दिनों में ये होता है कि कुछ ज़्यादा भी आ सकते हैं. बाद लोग इसके लिए मैनी डेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है. उसके लिए सेवरल आप चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. हैड द गर्ल्स बीन वॉशिंग क्लोथेस फॉर सेवरल डेज. द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथेस फॉर सेवरल डेज. बच्चे पिछले साल से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे. देखिए यहाँ पर मैंने सिंस प्रीवियस ईयर लगाया. अगर होता है पिछले एक साल से तो फिर फॉर आता, फॉर द लास्ट वन ईयर. द चिल्ड्रन हैड बीन प्रिपेयरिंग. ठीक है, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना. फॉर इसलिए लगाया कि वो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं. हैड द चिल्ड्रन बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस प्रीवियस ईयर. द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन preparing for examination since previous year. तो अभी हमने images के ज़रिए आपको ये सारा समझाया, सारा क्लियर किया. तो अगर इसमें कोई contradiction हो, किसी को confusion हो, तो comments में लिख के या video के नीचे जो मेरा number आ रहा होता है उसमें आप मुझे call भी कर सकते हैं. उसमें मुझे आप, मेरा वो WhatsApp का number है, उससे आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और इसमें आपको बड़ी बड़ी इंग्लिश की ग्रामर की बहुत सारे ऐसे अल्फाज आएंगे जिनके इस्तेमालात आपको बताऊंगा. तो बस आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जितनी भी मैं ये लेसन जो है अपलोड करता हूँ आप तक वहम पहुँचते रहें.